क्लास बिगिन करते हैं। और आज सबसे पहले कुछ सोशियोलॉजी पर जो मैंने फैक्ट्स पढ़ाए थे उन पर एक हल्के से चर्चा करते हुए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया समाजशास्त्र के अंतर्गत, उसमें संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, इस पर चर्चा किया। नेट के एग्जामिनेशन में सोशियोलॉजी में तो काम आने ही आना है, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हायर की जो वैकेंसीज आती है उसमें ऑप्शनल एग्जामिनेशन, या किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की परीक्षा हो, समाजशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट आपको मदद करेगा। मैंने इसे पूर्व की वीडियो में आपको संस्कृति पर कई अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को दिया। सबसे पहली बात मैंने बताया कि संस्कृति क्या है। कल्चर के विषय में जब भी पूछा जाता है एक जवाब आपके मन में आता है, दैट इज रीति रिवाज, कार्य करने का तरीका, हमारे जीवन शैली इत्यादि का। पर वास्तव में ये एकांगी होता है। संस्कृति पर अगर हम एक सारगर्भित सारांशित उत्तर के रूप में कहें तो एक लाइन का इसकी व्याख्या आती है कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार ही संस्कृति है। यानी जो भी आज तक हमने सीखा, हमने यानी मानव जब इस सृष्टि पे आया, उद्भूत हुआ और उसके बाद आज तक जो उसने सीखा पूर्वजों के माध्यम से हस्तांतरित हुआ, और जो भी नवीन वह ज्ञान सृजित करता चला रहा, वो सब कुछ उसकी संस्कृति ही है। अब इस प्रकार से हम मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और अभौतिक संस्कृति वो जो हमारे विश्वास, हमारे वैचारिकी के लिए, जैसे मूल्य। यानी भौतिक संस्कृति का स्वरूप मूर्त होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है। अब ये देखा गया कि जो भौतिक संस्कृति है वह काफी तीव्र गति से बदलाव होता है। भौतिक संस्कृति में काफी क्रांतिकारी चेंजेस आते हैं बड़ी तीव्र गति में, इन कंपैरिजन टू अभौतिक संस्कृति। हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों, जैसे पैर छूना, गुरुजनों का सम्मान करना, इसमें बड़ी मंदगति से बदलाव होता है, लेकिन भौतिक तत्वों में बड़ी तीव्र गति से बदलाव होता है। जैसे ड्रेस कोड, ड्रेस की कोडिंग वो जल्दी जल्दी बदले, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत से पहनावे में बदलाव। पहले हम चौक से लिखते थे, आज मार्कर का युग, अब स्मार्ट पैनल बोर्ड का युग। इस प्रकार से भौतिक तत्वों में पहले इक्का गाड़ी और फिर उसके बाद कार, वाहन बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। तो ये देखा जाता है कि भौतिक तत्व जो है उन्हें हम सभ्यता का पक्ष मान लेते हैं। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने, समाज वैज्ञानिकों ने समाज के भौतिक तत्व को सभ्यता नाम दिया। सभ्यता भौतिक तत्व के लिए और संस्कृति के लिए मूल रूप से अभौतिक तत्व को या तथ्य को, पक्ष को सिखाया। एक वैज्ञानिक ऑगमन ने भौतिक और अभौतिक संस्कृति में भी तीव्र गति से हो रहे बदलाव के दृष्टिकोण से यह देखा कि भौतिक संस्कृति काफी तेज गति से बदल रही है, जबकि अभौतिक संस्कृति मंद गति से। और इस प्रकार से एक ही समाज में भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसी को एक अवधारणा है सांस्कृतिक पिछड़ापन, यानी कल्चरल लैग के नाम से। इस प्रकार से सांस्कृतिक पिछड़ापन
आप बनने, और एक अवधारणा सांस्कृतिक निर्धारणवाद, इस पर मैंने पूर्व के वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसे मुख्य रूप से टैलर ने अपनी अवधारणा के माध्यम से व्यक्त किया, जिसमें उनका कहने का अच्छा है या आशय है कि संस्कृति ही समाज में सभी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। संस्कृति समाज के सभी परिवर्तन को निर्धारण करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कार्ल मार्क्स ने आर्थिक निर्धारणवाद के सिद्धांत में अर्थव्यवस्था को समाज में परिवर्तन के लिए निर्धारण यानी उत्तरदायी माना, ठीक उसी प्रकार समाज के सभी परिवर्तन के लिए टायलर ने और इनके और भी समर्थक जैसे क्रोबर और आजकल लेस्ली वाइट इत्यादि ने परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक के रूप में संस्कृति माना। इसी के साथ एक अवधारणा जुड़ी हुई है सांस्कृतिक भौतिक कल्चरल मटेरियलिज्म, जिसके पूर्व के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि सांस्कृतिक निर्धारणवाद सांस्कृतिक भौतिकवाद क्या कहता है कि संस्कृति में जो भी बदलाव हो रहा है उसका मुख्य ध्येय भौतिकता यानी भौतिकता में बदलाव की वजह से संस्कृति में बदलाव। अब सांस्कृतिक निर्धारणवाद में देखा जाए तो समाज में जो बदलाव हो रहा है उसका मुख्य कारण संस्कृति है, जबकि सांस्कृतिक भौतिकवाद में संस्कृति में जो बदलाव हो रहा है उसका मुख्य कारण भौतिकता। मैंने अब तक आपको ये अवधारणा पूर्व के वीडियो में बताया। अब मैं चर्चा करूंगा सांस्कृतिक बहुलवाद कल्चरल प्लूरलिज्म। क्या है कल्चरल प्लूरलिज्म? बहुलवाद यानी बहुत सी विचारधारा, वाद का मतलब ही विचारधारा हो। अब हम किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ अगर बात जोड़ देते हैं तो उसका मतलब सोच नजरिया दृष्टिकोण हो जाता है। अब यहाँ पर देखें तो बहुत से विचारधारा, अब संस्कृति के बहुत से विचारधारा को हम एक सामान्य शब्द में कहें तो सांस्कृतिक बहुलवाद हो जाता है। अगर हम व्याख्या करें तो जब किसी समाज में एकाधिक संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते हैं तथा उनके इस प्रकार के सह अस्तित्व का समर्थन किया जाता है यानी समाज उसको स्वीकारता है, तब यह स्थिति सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से जानी जाती है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और छोटे छोटे बहुत से पंथ और संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, और न ही सिर्फ रहते हैं बल्कि आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, स्वीकारते हैं, समर्थन करते हैं, सब में आपस में एक दूसरे का साथ सह अस्तित्व बना रहता है। यहाँ पर विभिन्न मतांतर और प्रजातिक विशेषताओं वाले समुदाय भारतीय समाज में महत्व परंपराओं से सहभोगी होते हैं और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के पालन स्वच्छंदता से करते हैं। इस तथ्य के दर्शन हमें उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। इसीलिए अमेरिका में लोकतंत्र को देखने को मिलता है। एक्चुअली जिन देशों में प्लूरलिज्म पाया जाता है वहां पे सबकी बात को सुनने को महत्व दिया जाता है, इसलिए ऐसे देशों में जनरली लोकतंत्र प्रणाली पाई जाती है। भारत इसका एक सुंदर उदाहरण है जहां सांस्कृतिक बहुलवाद हम देखते हैं। बहुत से विचारधारा के लोग आपस में सांस्कृतिक बनाए रखते हैं, आपस में साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और अपने अपनी संस्कृति को संचालित करते हैं, संचालित करते हैं यानी अपनी संस्कृति को त्यागना के बजाय हम दूसरे की संस्कृति को भी अपनाने पर बल देते हैं और अपने संस्कृति को संरक्षित करते हैं। प्लूरलिज्म इसीलिए कहा गया कि एक साथ कई संस्कृतियां आपस में मिलकर रहें, तभी हम प्लूरलिज्म की बात करेंगे। जब यहाँ मिलनसारता न रहे, जब मिलेंगे एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व नहीं बनाएंगे तो यही सांस्कृतिक विरोधाभास यानी एक प्रकार से सांस्कृतिक द्वंद्व पैदा करेगा और संस्कृतियों का एक संघर्ष देखने को मिलेगा। और जहां ऐसा समाज होता है वो समाज ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं हो, वो जल्दी समाप्त हो जाता है और ऐसे समाज ऐसे संस्कृति का लोप हो जाता है। जैसे हमने प्राचीन में बहुत से संस्कृति जैसे माया संस्कृति इत्यादि देखा जहां संघर्षों की वजह से वो संस्कृतियां अब विलुप्त हो, परंतु हिंदू संस्कृति विशेष रूप से भारतीय संस्कृति
में विशेष योग है वो है संलयन विलयन का, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व का, एक दूसरे के साथ सहयोग। तो सहयोग की इस विचारधारा और साथ साथ चलने की इस सोच के वजह से भारत जैसे देश में सांस्कृतिक बहुलवादिता आज देखी जा रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको सांस्कृतिक बहुलवाद के विषय में एक्सप्लेन किया। पूछ सकते हैं कोई प्रश्न शिवा शिवानी? नो सर। सांस्कृतिक बहुलवाद की अवधारणा जैसे कि कई कई कॉन्सेप्ट की जो प्रतिपादक है उनका नाम दिया हुआ है सर, तो इसी तरह से सांस्कृतिक बहुलवाद की भी अवधारणा भी किसी समाज शास्त्र में दी है सर? देखिए बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं कि विचारक हों जिन्होंने अपने विचार धारणा को प्रकट किया, कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर समर्थक रह सकते हैं, जहाँ जहाँ समर्थक है या समर्थक और जहाँ उसको प्रतिपादक है प्रतिपादक आपको मिल रहा है, ठीक है। इसका कोई प्रतिपादक जरूरी नहीं है, ये एक सामान्य जैसे भारत जैसे देशों में देखा जाता है, तो ये बहुत व्यापक समान है, ठीक है। और कोई प्रश्न शिव आपको कोई प्रश्न? नो सर। ठीक है तो चलें अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ, और मैं एक एक कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करता चल रहा हूँ तो आगे आपके लिए बड़ा आराम रहेगा। सारे वीडियोस को मैं धीरे अपलोड कर दूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट सर जो प्री सर सर जो प्रीवियस वीडियो है सर उनको अपलोड कर दीजिएगा अगर हो सके। हाँ आज के बाद सोशियोलॉजी की लास्ट थी तो लगातार 3 दिन में आपके सोशियोलॉजी की जितने वीडियो समय है ठीक है। तो चलिए अगले एक मार्केटिंग कंटेंट की चर्चा करते हैं। विश्वास क्या है इसकी बात समझे। देखिए कल्चरल रिलेटिविटी या रिलेटिविज्म, तो यहाँ पर संस्कृति और रिलेटिविटी। संस्कृति क्या है इसे पूर्व मैंने आपको बताया है कि अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, व्हाटएवर वी हैव लर्नड टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, दैट इज कल्चर, जो हमने अब तक सीखा और अपने पूर्वजों से हस्तांतरित किया। अब संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार हो सकता है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। अब हर जगह अलग अलग प्रकार से माहौल में व्यक्ति का विकास हुआ, मानव का विकास विभिन्न परिस्थितियों में डिफरेंट दृष्टिकोण से हुआ, तो वहां पर अलग अलग संस्कृति को उद्भूत हुआ। अगर हम अरब की संस्कृति की बात करें तो वहां के लोग बुरके में रहते हैं, महिलाओं को पर्दे में रखने की प्रथा है और पूरे तन ढके रहते हैं, पुरुष गोल टोपी रखते हैं सिर पर। अब वहां के दृष्टिकोण से वहां उनके समाज में उस प्रकार का संस्कृति पर था। अगर हम अमेरिका यूरोपियन देशों की बात करें तो इन देशों में खुलापन ज्यादा है, जस्ट विपरीत अरब से बिल्कुल विपरीत। वहां पर लोग शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और खुला समाज है। अभिवादन के दृष्टिकोण से अगर वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को किस करते हैं, अगर कोई किस नहीं करे तो एक प्रकार से अपमान होता है। जबकि अगर हम भारतीय संदर्भ में इसी चीज को देखें तो हमारे यहाँ अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किस करे तो अपमानजनक प्रथा होगी और इस प्रकार से सम्मान हनन होगा। तो हम हमारे अभिवादन के अनुसार हाथ जोड़ के या पैर छूकर सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो विश्व के हर क्षेत्र में अलग अलग दशाओं में अलग अलग संस्कृति का विकास होगा। अब हमारे दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि अमेरिकन संस्कृति खराब है तो यह हमारा व्यक्तिगत सोच हो सकता है। इसी तरीके से अमेरिका का व्यक्ति भारतीयों को पिछड़ा माने या अरब को काफी ज्यादा सोच का कुंद व्यक्ति माने, ऐसा हो सकता है।
लेकिन क्या वास्तविक रूप से इस दृष्टिकोण से कोई संस्कृति खराब या अच्छी तो यह कहना गलत है। वास्तव में संस्कृति एक सापेक्षता अवधारणा है। सापेक्षता अवधारणा का तात्पर्य प्रत्येक संस्कृति अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है। अतः अत्यधिक कर्म देश तो वहां पर बाल न उड़ जाए इससे हल्की गोल टोपी रखने का अरब में एक रिवाज चला, पैजामा कुर्ता पहनने का रिवाज चला। अतिक्रमण बहुत ज्यादा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक समायोजन प्रणाली के आधार पर्दा प्रथा, बुर्का प्रथा का प्रचलन अरब देशों में देखा, जिसमें महिलाओं को पूर्ण रूप से अंग को ढक के चलने का प्रथा रखा गया। अतः इस प्रकार से हम देखें तो स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वहां पर व्यक्ति और समाज समायोजित करता है अपने आप से। अतः किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन हम किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं कर सकते। हो सकता है भारत में ऐसी स्थितियां नहीं कि महिलाओं को उतना ढक के रखना चाहिए, और अमेरिका जैसे खुले समाज में ऐसी स्थितियां नहीं थी और उनकी सोच में इतना डिफरेंट अंतर था। इस दृष्टिकोण से वो अगर अरब और भारतीय समाज को पिछड़ा कहें तो ये उनकी सोच हो सकती है, और अगर हम अमेरिकी संस्कृति को बुरा कहें तो ये हमारी सोच हो सकती है। लेकिन किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य संस्कृति के मानदंडों के अनुसार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति ही सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती, यानी किसी संस्कृति को वही की स्थिति के अनुसार उसी सापेक्ष में ही देखना उचित। सांस्कृतिक सापेक्षवाद इस बात पर बल देता है कि अवधारणाएं सामाजिक रूप से निर्मित होती, समाज के अनुसार वहां की क्रियाएं निष्पादित होती, अतः उसी समाज के अनुसार उसे अध्ययन करना चाहिए और उसे समझने का बल। तो ये है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। तो आप अपने प्रश्न कर लीजिए। हाँ सर, बहुत अच्छे समझ में, अच्छे समझ में आ गया सर। मेरा यही उद्देश्य है कि एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होता चले, और लोग भी देख लीजिएगा और भी कुछ। शिवानी जी सर, समझ में तो आ गया, लेकिन अगर आवाज की बात में कोई दिक्कत नहीं है वो वीडियो रिकॉर्ड करके तो मिल जाएगा, ठीक है? तब तो कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट करते हैं, कल्चरल रिवाइटलाइजेशन। क्या रिवाइटल यानी फिर से जीवन आना, फिर से शक्ति आना, फिर से सशक्तिकरण प्राप्त करना। सांस्कृतिक यानी संस्कृति से संबंधित, संस्कृति मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है। संस्कृति क्या है? अब तक का सीखा हुआ व्यवहार, व्हाटएवर वी हैव लर्न टिल नाउ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमने अब तक सीखा और अपने पूर्वजों से प्राप्त किया, इसे हम संस्कृति कहेंगे। और संस्कृति पुनरुज्जीवन यानी रिवाइटलाइजेशन यानी फिर से जीवित करना। ऐसी दशा कब आएगी जब हम अपनी संस्कृति को फिर से जीवित करने की बात कर रहे हैं? वास्तव में जब किसी समाज में पतनशीलता की ओर अब समाज में उन्मुख होने लगता है, यानी समाज में अवगुण प्रधान हो जाता है, या समाज किसी अन्य दुष्गुणों को प्राप्त कर या ऐसी संस्कृतियों को अपनाता है जो उसके समाज के साथ समायोजित करने के लिए उचित नहीं, तो पतनशील समाज को अपने समृद्ध इतिहास को उन्मुख करना सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का नाम दिया जाता है।
अब मान लीजिए कि कोई समाज ऐसा है जो पास्ट में भूतकाल में काफी विकसित था, परंतु आज की स्थितियां ऐसी हैं जो दुर्गुणों या वैचारिक रूप से सोच इतनी मंद हो गई, इतनी कुंद होती जा रही कि वह पतनशीलता की ओर उन्मुख होता है। ऐसी दशा में उस समाज को उसके प्राचीन के साथ, प्राचीनता के साथ, उसकी प्राचीन गुणवत्ता के साथ परिचय कराकर फिर से उसमें नया जोश भरने की प्रक्रिया सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा समाज के सदस्यों में समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास की यादों को ताजा किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि याद कीजिए आपकी समाज में ही ऐसा हो। आपको बता दें, आप जिस बात को लेकर बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, इससे पूर्व भी इससे बड़ी बातें हो चुकी हैं और हमारे समाज ने संघर्ष करके इन सारी समस्याओं को दरकिनार किया। तो प्राचीन इतिहास की यादों को, उसके प्रतीकों को नए संदर्भ में पुनर्व्याख्या करके सदस्यों में जोश भरने का प्रयास किया जाए, ताकि उनमें नए जीवन का संचार हो सके। इस प्रक्रिया में संस्कृति की नवीन पहचान कायम करने के नवीन और पुरातन दोनों तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि कुछ नए तत्व और कुछ प्राचीन तत्व जो हम भूल गए हैं, उन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अब एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा समाज है जो प्राचीन काल में तो काफी विकसित था, समृद्ध था, किसी भी संस्कृति के तत्व को लेकर, लेकिन आज वो पिछड़ता जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर रखूंगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा। प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विकसित विश्वविद्यालय भारत में मौजूद थे, लेकिन आज उसी भारत में एक भी ऐसे विश्वविद्यालय नहीं जो टॉप 100 के अंतर्गत आए। इस प्रकार से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी आगे रहे भारत भी उच्च शिक्षा केंद्र, जहां पर लाखों लोग विदेश से आते थे और उच्च शिक्षा लिया करते, आज उसका पतन। अब इस भावना का विकास अगर भारतीय राजनयिकों, जनता, समाज में किया जाए, जिससे अपनी पास्ट की इस संस्कृति को कायम करने के दृष्टिकोण से उनमें नया उत्साह जागृत हो और ऐसे कृत्य के ऐसे कार्य करें जिससे कि हम अपने प्राचीनता में, यानी प्राचीन जो विरासत है उसको फिर से प्राप्त कर सकें, तो एक प्रकार से ये सांस्कृतिक पुनर्जीवन, अपनी संस्कृति की ओर फिर से लौट, अपनी विरासत को फिर से पहचानना और हताशा से बाहर निकलना, पतनशीलता को दूर करके उन्मुखता और विकासशीलता को बढ़ना, अपनी प्राचीन संस्कृति से सीखना, उसकी ओर उन्मुख होना, सांस्कृतिक पुनर्जीवन कहलाता है। इस प्रकार से सांस्कृतिक पुनर्जीवन व्यक्ति में नया जोश भरता है और अपनी ही प्राचीन सांस्कृतिक विशेषताओं को पहचान करता है। तो प्रश्न आता है कि निम्न में से सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन से सही संदर्भ पहचानिए। अब आपके सामने चार पांच बड़ी बड़ी लाइन रख देगा और आपको सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का सही अर्थ बताना होगा, या ऐसे ही पूरी एक लाइन दे देगा और कहेगा इससे किस अवधारणा में रखा जाता है या इसके लिए क्या अवधारणा प्रयोग किया जाए। आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल रूप से बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, जी सर, ठीक है। शिवानी, कोई क्वेश्चन है आपका? शिवानी, कोई क्वेश्चन? शिवानी लगता है किसी काम से चली। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जी सर। से रिलेटेड एक फैक्ट है और दैट इज आशा है कि आपको So, any more question? No. No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, ये सब बहुत typical concept है, लेकिन बहुत सारी चीजें से मैंने आपको explain कर दिया। लेकिन डीकल्चरेशन, परमानेंट डिसकल्चरेशन, टेंपरेरी लॉस हो गया, आदमी जेल में गया तो सामान्य जीवन को भूल गया, तो ये हो गया। आदमी शहर में गया और अपने जीवन को पूरी से भुला दिया, सामान्य जीवन को, सामान्य संस्कृति को त्याग दिया, वो विसंस्कृतिकरण हो गया। ठीक है, ओके जी सर। तो फिर आगे कुछ और कॉन्सेप्ट कर लिया जाए। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ ले लिया जाता है, नौ संस्कृति, ट्रांसकल्चरेशन और प्रतिसंस्कृति, तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ। कंटेंट पर चर्चा करूंगा, पहला है नव संस्कृतिकरण और दूसरा है पार सांस्कृतिकरण। दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से डिफरेंस है, अवधारणा है, से बस ऐसा करूंगा। नव संस्कृतिकरण, न्यू कल्चरेशन, न्यू कल्चरेशन यानी नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण कहते हैं। तो जब व्यक्ति नई संस्कृति को अपनाना है, सीखता है और इस प्रक्रिया में जाता है, इस प्रोसेस में जाता है कि नई संस्कृति को सीखा जाए, तो नई संस्कृति को जाना जाए, तो उसे हम नव संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृति, मैंने पहले ही आपको बताया संस्कृति का क्या मतलब होता है, अब तक का सीखा हुआ व्यवहार। अब सीखने की कोई भी क्रिया जो है वो नव संस्कृतिकरण के अंतर्गत हो सकता है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। एक छात्रा या एक बालिका कथक नृत्य का निरंतर कोर्स करती है और कथक नृत्य को सीखने का प्रयास करती, तो या संस्कृति की अवधारणाओं के अंतर्गत इसे किस अवधारणा में रखा है। तो अब यहां पर सीधा उदाहरण है, नव संस्कृति का क्या अवधारणा, नवीन सांस्कृतिक तत्वों को अपनाने सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण के अंतर्गत रखा जाता है।
तो ये हुआ नव सांस्कृतिकरण। एक दूसरी अवधारणा उसकी चर्चा करेंगे, पाल सांस्कृतिकरण यानी ट्रांसकल्चरेशन। तो सिंपल सी बात है, जब दो संस्कृतियां आपस में सांस्कृतिक तत्वों को आदान प्रदान कर अपनी अपनी संस्कृति की विशेषताओं को देती हैं और लेती हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को पार सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया। कैसे? उदाहरण के रूप में जैसे हिंदू और मुस्लिम समाज भारत में एक साथ आया, एक साथ रहने लगा, एक साथ साथ जीवन जीने लगा, तो बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व थे जो हिंदुओं ने मुस्लिम से लिया और बहुत से ऐसे सांस्कृतिक तत्व थे जो मुस्लिमों ने हिंदुओं से सीखा। अब एक दूसरे की विचार की, एक दूसरे की सोच को अपनाना, एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपनाना, एक दूसरे की धार्मिक चीजों को में इंटरेस्ट लेना, ये सब कुछ संस्कृति का दूसरे संस्कृति के ऊपर एक प्रकार से संचरण कहा जा सकता है। तो हमने बहुत सी ऐसी चीजें जैसे बोलने, रहने, खाने का तरीका वो अन्य धर्म और अन्य संस्कृति के लोगों से सीखा और उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे से आदान प्रदान किया। अब ये पार सांस्कृतिकरण की ऐसी अवधारणा जो व्यापक स्तर पर भी देखी जा सकती है, जैसे अमेरिकन संस्कृति से हम बहुत धीरे धीरे जुड़ने लगे, वेस्टर्न संस्कृति के हम बहुत करीब होने लगे। तो भारत में जब अंग्रेज आए, वेस्टर्न संस्कृति का धीरे धीरे हमने अनुपालन किया, हमने उनकी कॉस्ट्यूम्स को लिया, ड्रेस पहनावा सोच विचार से काफी प्रभावित होकर हमने अपने विचारों में बदलाव किया, उन्होंने भी हमसे बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार से एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान। आज खान पान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमने अमेरिका के मैकडोनल्डाइजेशन की अपनाया और हमारे यहाँ मैकडोनल्ड्स खुले और ये मैकडोनल्ड्स हम वहां जाके मैकडॉफ खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में हमारे समोसे बिकते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये विश्व में भी ट्रांसकल्चरेशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, यानी एक देश दूसरे देश की संस्कृति को अनुपालित करता है, उसे लेता है, पसंद करता है, अपनाता है और इसी प्रकार से एक देश दूसरे देश को अपनी संस्कृति को प्रभावित करता है, उसे। तो ये दोनों प्रक्रिया है, दैट इज नव सांस्कृतिकरण यानी न्यू कल्चरेशन, यानी नई संस्कृति को अपनाना, नई संस्कृति को पसंद करना, उसको अपने साथ आत्मसात करना। और दूसरा है पार संस्कृतिकरण, जिसमें दो संस्कृतियां आपस में अपनी विशेषताओं का आदान प्रदान करते हैं और अपनाया जाता है। काउंटर या काउंट्रा कल्चर की बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हेलो सर, सर सर प्रति संस्कृति की अवधारणा सर जे एच मिल्टन ने दी थी। प्रति संस्कृति की अवधारणा? जी सर। सर क्योंकि सर हम बुक पढ़ रहे थे उसमें से नोट किए हैं सर, एक बार सर कंफर्म कर दी। काउंटर कल्चर यानी प्रति संस्कृति, जिसे हम कॉन्ट्रा कल्चर भी कहते हैं, इसका क्या मतलब? जनरली जब किसी समाज की मुख्य संस्कृति उसी संस्कृति की उपसंस्कृतियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध किया जाता है, उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंडों और मूल्यों को चुनौती दी जाती है या नकारा जाता है और उनके प्रति अपना विरोध व्यक्त किया जाता है, तो ऐसी उपसंस्कृतियों को प्रति संस्कृति या प्रतिरोधी संस्कृति कहा जाता है। कहने का मतलब जब मेन स्ट्रीम कल्चर उसकी सब स्ट्रीम कल्चर द्वारा उसका विरोध किया जाए, समझिए यहां पर
मेन स्ट्रीम कल्चर का, मेन स्ट्रीम कल्चर। का विरोध, ठीक है, उसका नकारा जाना उसके सब स्ट्रीम कल्चर द्वारा। तो ऐसी दशा हो हम काउंटर कल्चर। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, पुस्तकों में इसका बहुत सा उदाहरण दिया, जैसे हिप्पी समाज या पॉप संस्कृति का उद्भव हो जाना। अब इस दृष्टिकोण से भी बेस्ट एक कॉन्सेप्ट, एक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हिंदू समाज में शादी ब्याह की परंपरा में बारात का विरोध होना। अब जनरली होता क्या है, शादी ब्याह की परंपरा में बारात में लोगों को सड़क पे चलना और इससे सड़क का जाम होना। तो मेन स्ट्रीम कल्चर क्या है, शादी ब्याह, और विवाह में बारात की संस्कृति का विरोध किया जाना, ये एक प्रकार से प्रति संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण। यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड और मूल्यों को चुनौती उसी की संस्कृति के द्वारा दिया जाना। इस अवधारणा का जो प्रतिपादन किया वो जॉन मिल्टन यंगर ने 1960 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू नामक एक आर्टिकल में किया। इस प्रकार से इनके प्रतिपादक जॉन मिल्टन यंगर माना जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित, इसका सबसे ज्यादा प्रचालन किसने किया, तो थियोडोर रोजा, उन्होंने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ काउंटरकल्चर में इस अवधारणा को दिया। यहां पर मैंने आपको एक महत्वपूर्ण कंटेंट दैट इज कॉन्ट्रा कल्चर पर विश्लेषण दिया। शिवानी क्लास को फ्री है, तो आज यही क्लास रोकते हैं, फिर अब क्लास, ठीक है।